उसने लड़ी है अपनी हेल्थ को लेकर. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज हर हिस्ट्री एंड कमिंग बैक लाइक दिस इट्स अमेजिंग. आई एम रियली हैप्पी फॉर हर. She's coming back after 4 years, but her essence is still there. She started. She was when she was starting this new thing. मतलब जब भी वो कर रही थी तो एक nervousness and एक अलग ही खुशी मुझे और हम सब friends को हो रही थी because we all wanted her to come back and she proved it. Because inside everybody, जो भी supportive है and उसके work related है, everybody is praising her. बस मुझे कॉस्ट्यूम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी ब्यूटीफुल जो ये लुक है बहुत सिंपल है येट इट्स वेरी एलिगेंट बट थोड़ा सा बोहो स्टाइल शी वांटेड टू गिव एंड बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं पसंद करती है ये. इसे लगता है कि सादगी में बहुत ज़्यादा सुंदरता भी होती है. तो आई थिंक शी इज़ डन अ ब्यूटिफुल वर्क ऑन द कॉस्टर दैट आई एम वेयरिंग एंड वेरी सिंपल वेरी फ्लोई गारमेंट दैट आई एम वेयरिंग इन माय बॉटम एंड इट्स अ पैंट. सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल डिज़ाइन. अली इज़ अ लवली डिज़ाइनर, लवली पर्सन एंड आई एम हियर टू इनकरेज एंड वेलकम हर बैक. काफ़ी हिस्सा हो गया मनाली का, एक गैप हो गया था डिज़ाइनिंग की दुनिया में, पर शी इज़ वेरी टैलेंटेड और हम सब उनको सपोर्ट करने आए कि उनका नया लॉन्च बहुत सफल हो, बहुत सक्सेसफुल हो एंड ऑल द बेस्ट टू हर. बहुत अमेजिंग माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ दैट. एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट प्रकाशा मेक सच अ वंडरफुल सीरीज? वेल वो तो लेजेंड फिल्म मेकर है, मतलब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला वही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. एंड आई थिंक ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. आप उनके साथ काम करते तो बहुत कुछ सीखते हैं. ही इज़ अ वंडरफुल गाइड टू वर्क विद एंड ऑफकोर्स आज आश्रम एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है कि जो भी उससे एसोसिएटेड है दे आर ऑल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. वो मुझे राखी बांधती है और अच्छा लग रहा है कि तकरीबन 4.5 साल के बाद वो कम बैक कर रही है. उसके लास्ट शो में मैं था दुबई में, मुंबई में था, लेकिन जिस तरह से कम बैक किया, आप जानते हैं कि इस हालात से गुजरी है मनाली. शी इज़ अ फाइटर. तो इट्स अ प्रिविलेज कि हम इतने अच्छे मौके पे उसके साथ हैं और उसने हमें इस समय याद किया. देखिए जिस तरह के से फाइट करके वो माहौल से वापस आई है वो कम लोग ही कर पाते हैं. और बिल्कुल मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि मनाली ने इस खुशी के वक्त हमें याद किया और हम दोनों को इस खुशी के मौके पे बुलाया. भाई सर, गेस्ट क्या विशेष देना चाहिए? देखिए मनाली जिस तरह से फाइट करके आई, जिस बीमारी से फाइट करके आई है, उसका नाम है कैंसर. और आमतौर पर इंसान 90% वही ख़त्म हो जाता है जब उसको खुदा ना खास्ता पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है. तो ये एक फाइटर ही है जो फाइट करके वापस आता है. बहुत कम मिसाल देखने को मिलती है. और जिस तरह की फ़ाइट करके वापस आना, अपने घर को संभालना, अपनी गृहस्थी को संभालना, अपने माँ बाप के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, वो वाकई काबिल तारीफ़ है. और बिल्कुल मैं तहे दिल से मैं उसकी इज्जत तो पहले ही भी करता था और अब इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और एक मिसाल कायम की है उसने तमाम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कि यू कैन फाइट बैक. इस बीमारी से आप फाइट करके वापस आ सकते हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है. हैप्पी फॉर मनाली, शी इज़ मेकिंग अ ग्रैंड कम बैक. आई हैव नोन मनाली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वी हैव बीन नेबर्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग एंड the surprise that Manali is going to give us again back to where she belongs. And she's you know, hosting such a huge fashion show and I'm glad to be a part of it. I'm very happy to be here. Ma'am, what do you want to say about the fashion show and about Manali? I want to wish her all the very best. She's such a talented, wonderful, beautiful soul that she is. So yeah, I'm really happy.
happy to be here and we're going to support her, of course. And all the best to her. This is a relaunch. It's a big day for her. That's why we are here to support her. And sir, show ki main baat karu, kafi acha chal raha hai. OTT mein bhi aa chuka hai. Uske bhi kafi TRP kafi high hai. The people are watching it. People are loving it. What do you want to say about the new thing, about the OTT? First, I'll ask about it. Say is that we are truly blessed, right? Because last 2 years we've been on top with the show, and we attempted something on OTT, which is a first of its kind attempt for any successful television show which is running. Yeah. And to have made an OTT spin-off of the same show and go back 17 years and give a completely new story and a completely new face to it, which is Vanraj and Anupama 17 years ago story, right. And we rated the topmost there as well. So I think it's truly a blessing. We all worked very hard, but obviously, you know, when you come on top, it's you've got to be grateful to the Almighty and thank Him always. Well, we expect nothing less of Manali. Each and every show of hers has always been amazing. Whether this is her comeback, she's never gone anywhere. She just took a break to come back even more stronger. I have walked the ramp for her in the past as an entrepreneur. Just always proud of her with all the great work that she's been doing. My message to Manali is always keep shining, my bestie. You are somebody who's always raising the bar for a lot of designers and making your own mark. Please continue doing that always. I hope we stay back and we don't have a setback. Just like my dear friend Manali, who's she's extremely she's a superwoman, she's a lovely person, and I'm so proud of her that she's actually bahut sari journey hum sab ne dekhi hai aur usne bhi ek bahut bada struggle dekha hai bahut hello so jaise hi मैंने सुना कि वो कम बैक करी है, आई वॉज रियली रियली हैप्पी फॉर वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. हम एक किटी ग्रुप के हैं जिसका नाम है किटी कैट्स, और मनाली को मैं वहाँ मिली हूँ एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड आई विश हर द वेरी बेस्ट बिकॉज व्हाट शी हैज बैटल एंड द वे शी इज कम बैक. वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट हर एंड चीयर हर. आई हूँ मनाली जगताप को सपोर्ट करने बिकॉज शी इज़ ऑफकोर्स अ वंडरफुल फैशन डिज़ाइनर, लेकिन वो बहुत अच्छी इंसान है. मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है क्योंकि हम सब जानते हैं कि यू नो मनाली हैज़ कम आउट ऑफ अ वेरी टफ बैटल, एंड इसलिए मैं दिल से चाहती थी कि आज मुझे यहाँ आना है और उनको सपोर्ट करना है. दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू फॉर एंड शी इज़ अ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर. फैशन की शाम है, फैशन के बारे में आप क्या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहोगे? Because you always we have seen you in a good fashion mind. Thank you. Tell us something about thank you. Well, आपने ये बोला यही मेरी कमाई है. Well, honestly, yeah, मैं fashion बहुत पसंद करती हूँ. I love to dress up because हमारे सीरियल के बाहर भी एक दुनिया है, तो हमें एक चांस मिलता है कि हम भी अपने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने. एंड आई थिंक फैशन स्पीक्स अ लॉट अबाउट समबडीज पर्सनालिटी. इट्स अ स्टेटमेंट यू मेक. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मनाली जगताप फॉर हर कमबैक शो. बहुत समय के बाद में मनाली जी का ये शो फिर आ रहा है और पहले ही बहुत प्रसिद्ध है और हम चाहते हैं कि इनको और प्रसिद्धि मिले. एंड शी यू नो रॉक्स एंड शी शुड हर डिज़ाइंस एंड हर ड्रेसेस एंड हर ब्रांड शुड गेट मोर फेमस. वी ब्लेस हर. थैंक यू. सो मनाली इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्पेशल टू मी. आई हैव वर्क विद हर, आई हैव नोन हर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ एंड आई एम हियर टू जस्ट चीयर फॉर हर, विश हर ऑल द बेस्ट. आई नो हाउ शी वर्क हार्ड फॉर इट एंड I just think she deserves the best, so I'm just here to support her. I'm sure she'll kill it. Not just a new beginning. This is going to be a beginning of a massive revolution that she's going to be triggering in the fashion business. This is going to be just one side of it. I'm sure there are a lot of other sides that are going to be unraveling very soon. MJ, I love you. I wish you all the best. What you deserve is beyond what I can explain in words. Manali, all the best to this, and we have been really fond of her, all her her outfits and stuff. She's a great friend, so let's see what is new that she's bringing in. So yeah, so really excited. Yeah, thank you for all the best.
all her future designs and everything. It's really exciting to see such a wonderful event, and I'm really glad I'm over here. I would like to congratulate Manali Jagtap. Truly and surely it is, MJ is back. Strongest women I know, or one of the strongest I can say, because I know she's a dear friend, and I walked her first RAM show like 10-12 years back, and now she's here doing a big comeback, so I have to be here for her, and I'm really happy, and I'm many congratulations. Today you're walking as you have seen. No, I'm not walking today, but I'm just here to support her and see her new collection. She always does a great job. तो मैम वर्क फ्रंट की बात करूँ, क्या कुछ आने वाला है आपकी तरफ? ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी अभी रिलीज हुआ है द ब्रोकन न्यूज, आप देख सकते हैं, एंड होप यू लाइक इट. एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ट्रेलर. या पीपल आर लाइकिंग इट. नाउ वी आर हैविंग अ सक्सेस पार्टी आल्सो बिकॉज़ इट्स अ गुड शो. सो या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अपकमिंग? या देयर आर कमिंग, जब आएंगे तब बताएंगे, यू नो हाउ इट इज. या thank you guys, thank you. And I go a very long way. मतलब मैं उसको तब से जानती हूँ जब मैं जॉब करती थी, और मैं एक एम्प्लॉय थी एक ऑफिस में, और वहाँ पे वो फैशन शो करने वाली थी, एंड तब से लेके मेरी जर्नी भी आगे बढ़ गई. उन्होंने भी लाइफ में इतना कुछ देखा है, एंड आई हैव ऑलवेज यू नो स्टेड विद हर. मतलब ये तो मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन उनकी जो खासियत है ना, वो आज तक मेरे साथ बनी रही, मेरी दोस्त, मेरी समटाइम्स स्टाइलिस्ट, समटाइम्स डिज़ाइनर. एंड टुडे आई हैव कम टू जस्ट सपोर्ट हर बिकॉज शी इज़ बाउंसिंग बैक. उनका एक लाइफ में एक पीरियड था जहाँ पे शी हैड टू गो थ्रू सम इलनेस, एंड वी नो इट, एंड टुडे व्हेन शी इज़ बाउंसिंग बैक. मैं अच्छा मैं आई और बारिश हो गई क्या? तो टुडे शी इज बैक एंड एम जे इज बैक एंड आई एम द हैप्पीएस्ट, एंड आई कांट वेट टू गो सी हर कलेक्शन, बिकॉज आप लोग मुझे देखेंगे उनके कलेक्शन में बहुत जल्द. थैंक यू सो मच. मनाली को मैं कई सालों से जानता हूँ, एंड जब ये पता चला मुझे, मनाली ने थोड़े दिन पहले फ़ोन किया था और बताया था कि ऐसा ऐसा एक फ़ैशन शो वो कर रही हैं, और मुझे कहा कि क्या मैं होस्ट करना चाहूँगा, और आई रियली वांटेड टू डू दिस बिकॉज मनाली इज़ कमिंग बैक. मनाली को एक बीमारी हो गई थी जिसे कैंसर कहते हैं, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, सबको डरा भी देती है, लेकिन बाउंसिंग बैक इज़ दी ओनली वे अहेड. तो इसलिए मुझे करते हुए भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अपनापन लग रहा है, और बहुत खुशी हो रही है कि आज मनाली जगताप का कमबैक मैं होस्ट कर रहा हूँ. नहीं जी, मैं रैम वॉक तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसी होस्टिंग करूँगा कि बाकी लोग रैम वॉक करेंगे.